सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी व कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 2 अप्रैल के दिन को भला भारतीय टीम के फैंस कैसे भूल सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2011 में इसी दिन भारतीय टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया था। भारतीय टीम को विश्व कप जिताने वाले भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जिन्होंने छक्का मारकर अपने ही अंदाज में टीम को विजयी बनाया था। आज इस खास पेशकश में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से अंतिम पलों में भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीता और धोनी ने हारे हुए मुकाबले में टीम को विजयी बना दिया था। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा वर्ल्ड कप के रोमांच को के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि भारतीय टीम को हर एक आईसीसी का टूर्नामेंट जिताने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। चाहे वह 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, साल 2011 में खेला गया विश्व कप फाइनल हो या फिर 2013 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह भारतीय टीम ने विजय प्राप्त करी और मिसाल कायम करी। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया तो धोनी की कप्तानी के अंडर। और आपको बता दें कि 2 अप्रैल के दिन ही भारतीय टीम ने साल 2011 में दूसरी बार विश्व कप में विजय प्राप्त करी थी। यह मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था। 100% चांसेस थे कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन मुकाबले का रोमांच देखने वाला था। आपको बता दें कि इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की पहले बल्लेबाजी आई और श्रीलंकाई टीम की तरफ से खिलाड़ी महिला जयवर्धने 88 गेंदों का सामना करके ही 103 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेल दी थी और इस पारी में उन्होंने 13 चौके भी जड़ दिए थे, जिसके चलते अब श्रीलंकाई टीम का स्कोर 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 274 तक पहुंच चुका था। दोस्तों, किसी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए 275 का लक्ष्य चेज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप फाइनल की हो तो प्रेशर अलग ही होता है। और जैसे ही भारतीय टीम के बल्लेबाज इस 275 रनों को लक्ष्य को चेस करने के लिए निकले तो प्रेशर देखने को मिला। आपको बता दें कि बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग 0 के स्कोर पर पवेलियन की तरफ लौट चुके थे और सचिन तेंदुलकर, जिनसे सबको काफी ज्यादा उम्मीद थी, वह महज 18 रन बनाकर ही पवेलियन की तरफ चल दिए। अब दोस्तों, बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ चुका था भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर पर। अब इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद बल्लेबाजी की कमान को संभाल रहे थे विराट कोहली व गौतम गंभीर। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि साल 2011 में मैच जिताऊ पारी खेली गौतम गंभीर ने। आपको बता दें कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गौतम गंभीर ने 97 रनों की एक धुआंधार पारी खेल दी। 122 गेंदों का सामना करके गंभीर ने अपनी शानदार पारी में 9 चौके भी जड़े थे, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हो गए थे और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आना था युवराज सिंह को, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने यहीं पर मैच चेंजिंग फैसला लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि युवराज सिंह की जगह महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ही बल्लेबाजी करना जरूरी समझा। गौतम गंभीर का साथ देने के लिए धोनी मैदान पर अब आ चुके थे। 114 रनों पर भारतीय टीम अपने 3 बड़े विकेट गवा चुकी थी और प्रेशर दोनों खिलाड़ियों पर था, लेकिन दोस्तों, मैदान में आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इस दौरान फिर गौतम गंभीर का भी विकेट गिर गया। 224 रनों पर भारतीय टीम अब अपने 4 बड़े विकेट गवा चुकी थी और अब अंतिम 18 गेंदों में जीतने के लिए भारतीय टीम को 16 रनों की दरकार थी, लेकिन दोस्तों, मलिंगा के इसी ओवर में यानी कि पारी के 48वें ओवर में धोनी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। उन्होंने अकेले ही 9 रन जड़ दिए थे, इसके चलते अब जीतने के लिए भारतीय टीम को 12 गेंदों में केवल 5 रन बनाने थे। 49वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने सिंगल रन देकर स्ट्राइक दे दी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में और फिर 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़कर एक विनिंग छक्का जड़ा और भारतीय टीम विश्व कप जीत गई। दोस्तों, यह छक्का इतना शानदार था कि इसे आज भी याद किया जाता है और ताज्जुब की बात तो यह है कि इस भारतीय टीम की पूरी इनिंग्स में 2 ही छक्के लगे थे और दोनों महेंद्र सिंह धोनी ने लगाए थे और भारतीय टीम को उस विश्व कप में 6 विकेट के बड़े अंतर से विजयी बना दिया था। दोस्तों, धोनी वह कप्तान है जिसे भारतीय टीम के इतिहास में अब तक का सबसे सफल कप्तान माना जाता है और पूरे विश्व में उनका नाम है। आज भले ही वह टीम का हिस्सा नहीं और मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आते, लेकिन भारतीय टीम के सभी फैंस के दिल में धोनी हमेशा रहेंगे। परंतु महेंद्र सिंह धोनी की इस मैच जिताऊ पारी व इस शानदार छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।